रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। कहीं ना कहीं जैसे रामायण में राम के साथ लक्ष्मण का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसी प्रकार आज भी आपके लिए उसका मैं पूरी तरह से दिनेश भैया तुम संघर्ष करो और दिनेश भैया तुम संघर्ष करो। समाज के किसी भी किसी को भी अगर समय के साथ कोई तकलीफ हो कोई दुख हो तो अपने बेटे को अपने याद रखिए, क्योंकि हमारे बीच में एक नेता के रूप में नहीं एक बेटे के रूप में आज भी हैं कल भी रहेंगे और जब तक ये सांस चलेगा तब तक आपके बीच में हम रहेंगे। और समय का आज आपको बता देना चाहूंगा कि माननीय सांसद जी उन्होंने एक अति पिछड़ा वर्ग समाज का मार्ग महादेवी ग्राउंड में रखा है। आप सबको भी मैं आह्वान करूंगा कि जितनी भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग वहां पहुंचे, जैसे कि हम अपनी ताकत को अंदाजा दिखा लोगों को बता सके कि हमारा आज पिछड़ा पिछड़ा समाज को अगर एकत्रित करने का एक बीड़ा उठाया है आपके बीच का आपका बेटा, आपके बीच आए प्रतापगढ़ के सांसद ने जोड़ने के लिए हर पिछड़े समाज को नेतृत्व दिलाने के लिए उन्होंने एक बीड़ी लेनी होनी चाहिए जिससे समाज के हर तबके के हिस्सेदारी मिल सके। और मैं समाज के हर किसी वर्ग को और खासकर नई समाज को मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो हमें दिया है वो ऋणी है पूरी जिंदगी भर और समाज के किसी काम अगर हम आ सके तो आप कभी भी बेफिक्र चाहे नहीं कि आप पूरा जीवन इसी तरीके खुशहाल रहिए। माता रानी से मैं विनती करता हूँ समय के साथ जो भी हमारे यहाँ पे उपस्थित सारे लोग हैं इनके चेहरे पे सदियों की तरह से मुस्कुराहट बनी रहे और जितना भी सांसद जी ने कहा है मैं पूरी तरह से पूरा करने के लिए वचन देता हूँ और बात ये रखते मैं पूरा कंप्लीट रूप से पूरा करूंगा। सारे समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों ने इस माध्यम मंच के माध्यम से। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो भी सांसद जी को विधायक थे विधायक से सांसद आपने बनाया है एक अपने हिसाब से अपने बच्चे को एक अनमोल रत्न की तरह उसी मूल की तरह बना दिया है। कहीं ना कहीं आपके लिए वो सदैव लड़ते रहेंगे और हम भी आपके बीच में ही है और जो भी कभी जरूरत हो आप भी हिचक हमसे बात रख सकते हैं समय के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः एक बार कहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश दिवस है और उसी दिवस के अनुसार आज कर्पूरी की जयंती भी है और सदा सदा के लिए 24 तारीख को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा और हम लोग भी चाहते हैं कर्पूरी जी महाराज के इसमें जोड़ के इस समय आने के बाद सरकार इसकी योजनाओं को बनाए जैसे कि कर्पूरी जी महाराज को पूरे प्रदेश में पूरे के सारे समाज के जो पिछड़ा समाज है इनको उस लेवल पे देखा जाए और जयंती के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाए। और हम इस चीज को बात को रखेंगे भी कि भाई स्थापना दिवस के साथ साथ कर्पूरी जी महाराज का दिवस भी स्वाभाविक और मतलब सरकार की तरफ से भी हो। और समय के साथ आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।